पति ने दो साथियों के साथ पत्नी की मायके में धारदार हथियार से कर दी हत्या। रात्रि करीब 12 बजे एक महिला आरती 23 वर्ष पुत्री राजवीर सिंह अपने मायके में रह रही थी, तभी सोते समय हमलावरों ने सिर पर धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या कर दी और सनसनीखेज घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतका की बुआ गीता देवी ने आरती के पति समेत तीन ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि आरती की शादी 2018 में मानेकोठी पटियात कुदरकोट जनपद औरैया में हुई थी। तभी से ससुरालियों से विवाद होता आ रहा है और आरती अपने मायके में रहने लगी थी। जब यह घटना हुई उस वक्त आरती अपने दो बच्चों समेत प्रत्येक 5 वर्ष नित्या 1 वर्ष के अलावा छोटे भाई विजय 16 वर्ष के साथ सोए हुए थे। रात्रि के समय घर में घुसकर आरती पर जब हमला किया गया तब प्रहार की आवाज सुनकर भाई विजय जागा, जिस पर उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। इससे पहले हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, घटना इटावा जनपद के भरतना कोतवाली कस्बा के मोहल्ला रानी नगर की है। हालांकि भरतना पुलिस ने रात्रि में ही घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मायना कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया, मामला संज्ञान में है। शादीशुदा महिला थी, पति और घर वालों से विवाद चल रहा था। उनके भाई से ही कुछ विवाद हुआ, जिससे भाई ने ही उन पर किसी चीज से प्रहार कर दिया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। एक संज्ञान में आया कि शादीशुदा औरत थी और पति से भी झगड़ा चल रहा था और घर वालों से भी झगड़ा चल रहा था, और ये आरोप लगा है फिलहाल प्रथम दृष्टया कि जो सीओ साहब ने मुझे अवगत कराया है कि एक महिला 23-24 साल की है, शादीशुदा औरत थी। उनके भाई से ही कुछ विवाद हुआ, जिसमें भाई ने ही उन पर किसी चीज़ से प्रहार कर दिया। बाद में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। भरतना थाना पड़ता है जनपद इटावा में, और उसमें भी अभियोग दर्ज कर लिया गया है तथा एक दोनों को हिरासत में पूछताछ की जा रही है। क्या घटना हुई है? यानी रानी नगर में, ये सामने रानी नगर पड़ता है, तो वहाँ घटना हुई थी। मेरी भतीजी थी और भतीजी को किसी ने मार दिया और विवाद चल रहा था ससुराल वालों से। मुझे पूरा सब पूरा डर और पूरा नाम कहती हूँ कि उन्होंने मारा है। तो भतीजी आपकी कहाँ, ससुराल में ही थी? नहीं, मायके में थी। एक महीना हुआ था उसको, जब झगड़ा हुआ था हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मारा पीटा था और हमको भी मारा था। बच्चों को एक हफ्ता उन्होंने भूखा रखा, तो हम कुदरकोट जो थाना पड़ता है जिला औरैया में, वहाँ भी गए थे। तो वहाँ के जो भी दरोगा जी थे, उन्होंने मेरे बच्चों को खाना भी खिलवाया था। तो उससे मेरी वो भतीजी थी, तो घर आ गई वापस यहाँ पे। तो मायके में रह रही थी, मायके में। तो ससुराल वाले यहाँ कैसे पहुँचे, कुछ जानकारी? जानकारी क्या, उन्होंने धमकी दी थी अगर एक महीने के अंदर अंदर हम तलाक कर देंगे नहीं तो हम भरतना ही आके मार देंगे, और हमको भी कहा था कि तुमको भी भरतना में जिंदा जलवा देंगे चौराहे पे। तो किस हाल में आपको सुबह मिली, कैसे देखा? सुबह नहीं, वो शाम को रात में 12 बजे हमारे पास भतीजी है करीब 16-17 साल का, वहाँ थे और कोई भाई नहीं था, और एक भाई जो भी है दिल्ली थे, और उसके पापा भी दिल्ली बस चलाते हैं, पापा भी उसके ब्रेन ट्यूमर के वो मरीज हैं। तो आया भतीजा, उन्होंने मेरी गेट बजाई कि बुआ बुआ, और छोटा बच्चा था 5 साल का और 1 साल की बच्ची है, तो गेट बजाया कि बुआ बुआ वहाँ पे कुछ लोग मार रहे हैं, दो लोग हैं, कि जीजा जी हैं। तो हम जो दौड़ के निकले, गेट खुला तो मेरे पैर यहीं टपक गया, तो मेरे पैर में भी चोट आ गई। तो मैंने जाके देखा कि वहाँ पे मतलब मैं साबित नहीं है, तो मैं वापस आई और मैंने फिर कॉल किया, पुलिस वालों को कॉल किया था। तो हाँ, तो किस चीज़ से बार किया गया, क्या देखा आपने? मैंने ये देखा है कि यहाँ सिर पे जो चोट लगी हुई है, यहाँ तो जो भी है भेजा सब बाहर है, और इधर पे भी कोई धारदार है उससे। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? 17 या 18 में। कहाँ पे हुई थी? ये मानिकुटी गांव है ससुराल, और कुदरपुर पोस्ट और थाना है कुदरपुर। कितने बच्चे हैं इनके? बच्ची दो हैं। दोनों लड़के हैं या लड़कियां? एक लड़का है 5 साल का और 1 साल की एक लड़की है। जब पति क्या करते थे इनके? पति इनके ट्रक चलाते। किस बात को लेके वहाँ विवाद चल रहा था? वो
ये कह रहे थे कि हम रखेंगे नहीं, और दहेज भी मांग रही थी कि इतना पैसा कम दिया है और पैसा दो। तो यहाँ मायके में कितने वर्षों से रह रही थी? मायके में जैसे मायके में दो साल रही, और जब सभी लोग गांव के आए लेने के लिए तो वो चली गई, तो एक महीना उम्र रहा है। जब वो फिर उन्होंने परेशान किया तब वो फिर यहाँ आ गई, फिर कहीं एक साल रुकी, फिर सब लोग लेने के लिए आए तो फिर वो चली गई। ऐसा होता रहा, आता जाता है। तो क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? अभी तो मुकदमा तो लिखा है, बता तो दिया था, लेकिन अभी मुझे वो नहीं मिली, कागज जो मिलता है रिपोर्ट वाला वो नहीं मिला।